सवाल ये है कि अभी हम लोग फ्रंट फेज पे हम लोग जयराम महतो को देख रहे थे, और जयराम महतो को अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो अलग ही, मतलब जब आप जो बोलते हैं कि लड़ाई में जब 60-40 का इतना बड़ा 72 घंटा का लड़ाई में उनका कहीं पेस हमको नजर नहीं लगता आता। है कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि जयराम महतो ये ऑफेंसिव खेलेगा, लेकिन वो पर्दे के पीछे। जयराम महतो बोलता है कि, यानी कि लोग पता नहीं अपने बोलवा रहा कि हाँ लोग बोल रहे हैं कि वो ये अगला सीएम है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि जयराम महतो इतना जल्दी सीएम कैसे बन सकता है। केजरीवाल टाइप का मॉडल से क्या जयराम महतो सीएम बन सकता है? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग संवाद करेंगे माननीय पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा जी से, काहे कि अभी झारखंड का स्थिति को लेकर के, काहे कि झारखंड में हमारे युवा 60-40 का विरोध में एकदम बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सरकार को जस के तस है। हम लोग उस विषय में आज माननीय सुरेश सिंह पूर्व विधायक से हम लोग बात करेंगे, और इस ये वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करना, काहे कि ये बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छा अच्छा बात बताने वाले हैं जो हमारे युवाओं के लिए और झारखंड का दिशा दशा को तय करने वाली बात है। तो हमारे पब्लिक एक्शन न्यूज में आपको स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे, आप हमारा पर्सन यह है, ये तो 60-40 को लेके युवा भरपूर आंदोलन किया, 3 दिन लगातार 72 घंटा का आंदोलन था, और ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन युवा का था हम जहां तक लगता है। अब हम लोग का संज्ञान क्या क्यों नहीं हो रहा इस प्रकार का, ये है सर जी, थोड़ा संज्ञान के बारे में बता कर। ये जो 60-40 का जो स्लोगन अभी आए, पहले शुरू हुआ था खता खतियान और नियोजन नीति, भाषा नीति को लेकर के युवाओं की जो आवाज जो बुलंद हुई और लोग आंदोलित हुए। बिल्कुल सर, 1932 का मामला भी एपिसोड प्राय प्राय समाप्त है, जबकि बिल्कुल जब तक ये बिल्कुल 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय निर्धारित करती है झारखंड सरकार, और राज्यपाल उसको असंवैधानिक करार करते हुए पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। फिर ये बोल रहा है कि नहीं, 60-40, 60-40 का मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ। 60-40 ऐसा है, पार्टनरशिप में ऐसा होता है, 50-50 पार्टनरशिप, नहीं तो 70-30, हाँ नहीं तो सिक्सटी सिक्सटी फोर्टी फोर्टी तो हमको लगता है कि 60, मतलब कि हमको लग रहा है 60 माने आदिवासी मूलवासी झारखंडी के लिए, 40 लगता है बाहरी बिहारी के लिए। ये 60-40 रेशियो कौन फॉर, कोई फॉर्मूला नहीं है। मेरे सामने में संविधान है, ये भारत का संविधान है। अब इसमें आरक्षण, नियोजन नीति, रिजर्वेशन, प्रमोशन, सारी चीज ये छोटी सी पुस्तक में भारत देश चलता है। इसमें विधि विधान, संविधान, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायत से लेकर के पेशा कानून, तमाम चीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 8, शेड्यूल लैंग्वेज, 9th शेड्यूल संविधान का कुछ नियम, 7th शेड्यूल स्टेट पावर, तमाम चीज है। तो ये जो अजुल फजुल अलुल जुलुल जो लोग बयान देते हैं, अभी भी सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रहे। जब मेरे 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 नेतृत्व में, मेरे सोच विचार में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू गठन हुआ था, आज से 35-37 साल पहले है, 1986 में हम लोगों ने एक कोर कमिटी बनाया था, इसमें एक ग्रुप लीडरशिप किया था। उसमें हम लोगों ने स्लोगन बनाया था कि सामूहिक चिंतन, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व। बिल्कुल इंग्लिश में बोला जाता है कि कलेक्टिव डिसीजन और कलेक्टिव ये लीडरशिप एंड एंड कलेक्टिव मूवमेंट जो है। तो ये जो कलेक्टिव थिंकिंग, सब लोग मिलके सोचो, सब लोग मिलके सोचो, सब लोग मिलके निर्णय लो और सब लोग लेके नेतृत्व करो, ये सामूहिकता आदिवासी झारखंडियों की रीति रिवाज से, सामाजिक परंपरा से जुड़ी है। कलेक्टिविटी सामूहिकता है। तो वर्तमान ये में दिख रहे हैं, उसमें कुछ खामियां हैं। युवाओं ने जो कर रहा है वो लोग अकेले, जो अकेले अकेला चलो रे नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है नेतृत्व, तो इसमें सामूहिकता की कमी है। 60-40 स्लोगन नहीं हो सकता है, 1932 का खतियान भी मानक नहीं हो। जहां हम लोग बात कर रहे हैं घोड़ाबंदर, ये पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र अंतर्गत है। ये पहले पूर्वी सिंहभूम के पहले एक जिला था सिंहभूम, 1980 के दशक में एक जिला था सिंहभूम,
बाद के दिन में पूर्वी सिंहभूम इधर हुआ, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा हुआ, बीच में जो है ना सरायकेला खरसावा, लेकिन यहाँ का अंतिम सर्वे 1964 का है। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, जोहार यात्रा करते हैं खतियानी जोहार, तो 1932 से बोलते हैं कोलान में। यहाँ का एमएलए बड़ागुड़ा का एमएलए वो चुप्पी शादी हुए, जहाँ पे हम लोग आए यहाँ पे अर्जुन मुंडा का भी घर है, मेरा भी घर है घोड़ा बंदा, रामदास सुरेन विधायक का भी, एक सेंट्रल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा का भी, ये सबका हम लोगों का 64 का है। तो खतियान बोले जा रहा है सब चुप्पी साधे हुए हैं। चंपाई सोरेन सेंट्रल का मिनिस्टर माने कैबिनेट मंत्री है झारखंड के, चंपाई सोरेन का खतियान 64 है, 32 का नहीं है। जोबा मांझी कैबिनेट मंत्री है, जो है ना मोनरपुर से जीती है, 5 बार मंत्री बनी है, वो चुप्पी साधी हुई है। उनको बुलवाया जाए कि तेरा खतियान निकाल के मीडिया के सामने दिखाओ, उनका उनका 64 है 32 नहीं, लेकिन हुआ करके 32 बोल, बहुत गलत संदेश जा रहा है। संज्ञान लेना चाहिए, जब हम लोग सामूहिक नेतृत्व आज से जब लड़ाई लड़े 72 घंटा 1989 में, तो इतना बड़ा आंदोलन बिहार बंगाल उड़ीसा 4 राज्यों को प्रभावित किया, इतना असर डाला, इतना सफल झारखंड आंदोलन, झारखंड बंद, इकोनॉमिक ब्लॉकेट, कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री, बूटा सिंह गृहमंत्री, दिल्ली वार्ता बुलाया, मैं जिंदा हूं, मैं आज जिंदा हूं, प्रभाकर तिर्की जिंदा है, और भी लोग हैं, हम लोग से वार्ता हो। लेकिन इतनी बड़ी आंदोलन कर रहा है युवा शक्ति, छात्र शक्ति, अभ्यर्थी, कोई भी आंदोलन का संवादहीनता हुआ है, माने आंदोलनकारी और सरकार के बीच में वार्ता विहीन है, वार्ता बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई संज्ञान ले नहीं रहा है। अब की बार क्या हुआ, वो आंदोलन हुआ, अब सेकेंड फेज का आंदोलन जो है ना, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, झारखंड स्टेट, जिसका नेतृत्व में मुखर रूप से, प्रखर रूप से देवेंद्रनाथ महतो दिखाई दे रहा है, इसमें जयराम महतो अभी पर्दे के पीछे में कोई कुछ नहीं है, वो रैली कर रहा है, सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट बोलेगा, वो सपोर्ट बोलेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, बोलेगा मैं मौन रहूंगा, गौन रहूंगा। तो आप आंदोलन में एक्शन में गौन, राजनीतिक चुनाव में मौन, राजनीतिक चुनाव में जयराम महतो मौन है, और जहां एक्शन प्लान हो रहा है वहां गौण है, तो राजनीति में क्या होगा उसमें मौन साधे हुए हैं, और जहां पे एक्शन ओरिएंटेड अटैक करना सरका हुआ गौण आया। तो यहां देवेंद्रनाथ महतो और कौन ये कौन यादव है, क्या नाम है हजारीबाग का, जो भी है छात्र नेता, मुखर रूप से, प्रखर रूप से आंदोलित है और आक्रामक है, जुझारू पर दिख रहा है, और मैं ये देख रहा हूं कि ये सही दिशा में, उस समय जो आजसू और आज के समय में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, ये वही तर्ज पर, उसी पैटर्न पर जा रहा है, यही मंजिल पहुंचाएगा, ये जो अभियान आने वाला दिन में जो वो है, और ये जो महतो देवेंद्रनाथ महतो, तो ये लोग जून महीना में 2 दिवसीय झारखंड बंद भी कॉल किया है, और सीरीज वाइज धारावाहिक आंदोलन जो है ना वो रणनीति अपना ले कर रहा है। लेकिन सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है, इस पे कोई स्टेटमेंट ना, ना एक तो हो गया, एक आंदोलन कर रहा है, दूसरा सदन के अंदर में विपक्ष हल्ला बोल रहा है, विपक्ष जो पॉइंट आउट कर रहा है, जो बातें संविधान विधि विधान के तहत बातें उठा रहे, उसमें लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक पक्ष होता है, सत्ता पक्ष, सत्ताधारी, और एक विपक्ष होता है, विपक्ष सत्ता में नहीं है, लेकिन विपक्ष आपके आपके राजनीतिक मूल्यों का, आपके राजनीतिक मुद्दों का, आपकी सरकार की नीति का अगर आलोचना करते हैं, तो सत्ता पक्ष को चाहिए उसको समालोचना होना चाहिए, आत्म आलोचना होना चाहिए, और समीक्षा होना चाहिए, लेकिन वो सदन में हल्ला गुल्ला का कोई माने नहीं है, ये युद्ध में रहता है, और बाहर में सड़क में संघर्ष हो रहा है, उसमें भी संज्ञान नहीं ले रहे, तो आखिर ये सरकार मुर्दा की तरह क्यों? बिल्कुल, उनके ऊपर बहुत सारे हमले किए जा रहे हैं, और उनके देखा जाए तो यानी कि सरकार के प्रवक्ता, सरकार के पार्टी के प्रवक्ता, इनपे कोई भी असर नहीं, असर नहीं है ना। आप जमशेदपुर से देखो, इतना बड़ा क्षेत्र है ना, चाहे रांची से देखो, चाहे ये है ना, कोई भी उधर प्रतिक्रिया जो कोई सरकार को बोला जाता है तो उसपे तुरंत सरकार को संज्ञान लेते हुए प्रवक्ता को उस विषय पे आना चाहिए नहीं कर रहा है। दूसरा चीज है, एक तो माननीय हाईकोर्ट ने नियोजन नीति जो पहले बनाया था, नियोजन नीति 2016 का मतलब है कि उस समय जो बना था, तो नियोजन नीति जो है ना वो रद्द कर दिया, हाईकोर्ट रद्द कर दिया, तो तुरंत रद्द किया, तुरंत संज्ञान लेकर के रातों रात
झारखंड को कैबिनेट में बैठना चाहिए कि किन मुद्दे पे माननीय हाईकोर्ट ने झारखंड के नियोजन नीति को रद्द किया, उसमें संशोधन समीक्षा मूल्यांकन करके तुरंत आवेदन निवेदन करना चाहिए, प्रोसेस है, वो नहीं किया, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। दूसरा चीज है कि 1932 के आधार पर जो इन्होंने डंके के चोट पे बिना विचार किए, बिना मंथन चिंतन 1932 के आधार पर स्थानीय नीति निर्धारित कर दिया, जबकि 1932 का जो है ना कोयलांचल में है, रांची में है, आपका बोकारो में, धनबाद में 1932 का अंतिम सर्वे हुआ है, ठीक है। मेरे साथ मेरे पास आंकड़ा है, एक एक जिला का अंतिम सर्वे का आंकड़ा है। 1932 सर्वमान्य नहीं हो सकता है, मैं शुरू में बोला मानक ने, मानक उसको बोलता है कि सब लोग माने, मानक क्या हो सकता है। 1982 में अविभाजित बिहार में, 1982 में अविभाजित बिहार में जो एक बनाया था कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति या पूर्वजों का नाम अंकित है उन्हीं व्यक्ति को उसी जिला में स्थानीय निवासी माना जाएगा, और ये इतने बड़े पुस्तक इसमें है। इसमें देखिए झारखंड परिपत्र संग्रह टोटल नोटिफिकेशन है। हमको लगता है कि बीडीओ सीओ से लेके ISIPS ब्यूरोक्रेट नौकरशाह या ये मंत्री से लेके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसको पाठ पढ़ना चाहिए। सुर सिंह बेसरा ऐसे नहीं बोलता है, ये कानून विशेषज्ञ है, संविधान विशेषज्ञ है, विधिवत्ता है, इन्होंने अध्ययन करता हूं मैं संविधान से लेके ये संविधान का पाठ पढ़ता हूं, और ये अविभाजित बिहार में कितने वर्षों के इतनी मोटी नोटिफिकेशन हो गया, अधिसूचना है इसमें, उन अधिसूचनाओं को लागू करके बिहार चला, बिहार में कोई हंगामा नहीं, लेकिन ये 22-23 वर्ष हो गया एक भी नीति निर्धारण नहीं किया, एक भी नहीं, नहीं तो भाषा। दूसरी बात बता रहा हूं मैं, ये डिस्ट्रिक्ट रोस्टर बना दिया, क्या हुआ 60-40 कोई हमको बता दे। ये देख लीजिए यहाँ पे है रिजर्वेशन एंड है कंसेशन, माने एसटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी मंडल कमीशन, मैं ऐसे में ही बोलता, मंडल कमीशन ने 27% सेंट्रल में नौकरी देने का, स्टेट में देने का, और सभी को राय दिया। सुप्रीम कोर्ट 93 में मंडल कमीशन बोला कि पिछड़ों को 27% देना है, लेकिन झारखंड में दुर्भाग्य है कि जब से झारखंड बना यहाँ का रिजर्वेशन लागू हुआ ओबीसी को 14% दे दिया, क्यों 14-27 क्यों नहीं दिया। तो ये एसटीएससी ओबीसी का इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, संविधान में प्रावधान है, क्यों नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कोई अगर अलूल झलूल में कोई बच्चे साइंस नहीं समझ पा रहा है, मतलब वो फेल है, फेल्योर है, कोई आदमी आर्ट्स नहीं समझ रहा वो फेल्योर है, मैथ नहीं समझा पा रहा वो तो फेल्योर है, दुनिया ग्लोबल नहीं जानता, भूगोल नहीं जानता, तो ये तो कोई चीज नहीं जानता जो सरकार, बिल्कुल। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुखद बात है, चिंतनीय विषय है कि ये मेरे सामने में तमाम चीजें हैं। इसलिए अभी जो करना चाहिए ये लड़का लोग करेगा, सरकार को पहले बात करें, मैं सरकार अपील करना चाहता हूँ, प्ली करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि अभी हम लोग फ्रंट फेज पे हम लोग जयराम मातो को देख रहे थे, और जयराम मातो को अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो अलग ही, मतलब जब आप जो बोलते हैं कि लड़ाई में जब 60-40 का इतना बड़ा 72 घंटा का लड़ाई में उनका कहीं पेश नजर नहीं आया, है ना। इसपे हम लोग को देख रहे हैं कि हम लोग क्या नाम ये देवेंद्र मातो, वो आगे था, और जयराम मातो बोलता है कि यानी कि लोग पता नहीं अपने बोलवा रहा कि लोग बोल रहे हैं कि वो ये अगला सीएम है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि जयराम मातो इतना जल्दी सीएम कैसे बन सकता है, केजरीवाल टाइप का मॉडल से क्या जयराम मातो सीएम बन सकता है। केजरीवाल मॉडल जो है ना, केजरीवाल मॉडल, मैं उस मॉडल को मैं उनको समझाया हूं, कई बार समझाया हूं, ये मुकर रहा है, ये फेस नहीं कर पा रहा है, सामने नहीं आ पा रहा है, इनका क्या है ना, मैंने उनको मैं आलोचना जरूर करना चाहिए। इसलिए सर इसमें सवाल उठा रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे होंगे हमको, आप दो बात गलत भी बोलेंगे, जयराम मातो को हम गलत नहीं बोल रहे, वो युवा है, वो पढ़ा लिखा है, कर सकता है, लेकिन सारे जगह में अलग अलग कैंडिडेट कैसे खड़ा करेगा और सारे लोगों का ये कैसे लेगा, ये नहीं तो फिर सरकार ये मतलब तीन बंटवारा में बंट जाएगा, बाद में जयराम को आधा सीट मिलेगा, है ये हेमंत को आधा सीट मिलेगा, भाजपा को आधा सीट मिलेगा, ये राज्य का सरकार उलट पलट हो जाएगा। ऐसा है ना, इंग्लिश में कहा जाता है कोई फुटबॉल खेलता है तो एक होता है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। हमको लगता है कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि जयराम मातो ये ऑफेंसिव खेलेगा, लेकिन वो पर्दे के पीछे में रोल करना शुरू किया, एक्शन में नहीं आ रहा है,
वो पब्लिक के बीच में आ रहा है, रैली रैला कर रहा है, सभाएं कर रही है, लोगों को जागृत कर रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है, लेकिन लोगों को संगठित नहीं कर पा रहा है। उनका सेंट्रल कमिटी का अभाव है, मैं देख रहा हूँ। जिला स्तर में कोई संगठनात्मक संरचना उसके नहीं है, ये प्रखंड लेवल में उसका नहीं है। 2024 सामने है, 81 विधायक कौन होगा? ये आज जो है ना आदिवासी रिजर्व से 28 सीट है, शेड्यूल कास्ट का सीट 9 सीट है, उसमें महिलाओं को 50% देना है। ये जयराम जयराम ही दिख रहे हैं अकेले आदमी, लोगों को जगा रहा है, लोगों को बोल रहा है, मुद्दे आधारित उछाल रहा है बात को, लेकिन ये जो है ना ये डिफेंसिव खेल रहा है, पर्दे के पीछे रक्षात्मक खेल रहा है, लेकिन ऑफेंसिव में तो देवेंद्रनाथ महतो चैंपियन हो गया। उन्होंने पिछले बार 72 घंटा झारखंड बंद को ऐलान किया, सफल किया। इस बार भी कल से शुरू कर रहा है, कल से वो आदि पेस में वही जून वही पेस में है, फ्रंट में है, और उसके बाद जून में देख लीजिए 10 और 11 जून को ये झारखंड बंद फिर कॉल कर गया। मैंने निरंतर होता लड़ाई में संघर्षरत है वो, लेकिन जयराम महतो पीछे पीछे हट गया और ये पर्दे के पीछे में है वो, ये कर रहा है। मैं तो उनको सुझाव दूंगा, मैं कई बार कोशिश किया है कि आपने एक चीज सवाल उठाया कि पहला तो ये हो गया कि इसको हम बात करें रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट रोस्टर कैसा बनता है। अगर सेंट्रल में एग्जाम्पल के लिए अगर केंद्र में अगर आरक्षण लागू होगा तो तीनों मिला के STSC OBC मिला के 50%, लेकिन अभी जो नया अमेंडमेंट किया नरेंद्र मोदी जो आर्थिक आधार पर जो सामान्य जातियों को 10%, तो 50+10 कितना हुआ? 60 हुआ। सेंट्रल में 60 देना होगा, स्टेट में 60 देना होगा, लेकिन बाकी जो 60-40 बचता है ये 40-60 का रेशियो नहीं है। स्थानीयता अलग बात है, आरक्षण अलग बात है, नियोजन नीति अलग बात है, इन लोगों को घोल मटोल करके एक समझ में आता है। दूसरा चीज है इसमें डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में नियम बना हुआ है, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, उदाहरण के लिए आदिवासी का रिजर्वेशन कितना है सेंट्रल में? 7.5%, और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कितना है सेंट्रल में? 15%, 15% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 7.5% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है ना। लेकिन वही झारखंड में अगर करेंगे तो झारखंड में 26% ST है रिजर्वेशन स्टेट लेवल, बिल्कुल, और शेड्यूल कास्ट का कितना है? 9% है। तो सेंट्रल का अलग है, स्टेट का अलग है, डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में दिया गया है। उदाहरण के लिए पूर्वी सिंहभूम में आदिवासी कितना है? 28%, बिल्कुल, तो यहाँ हमको 20% मिलेगा, 28 मिलेगा, और यहाँ बैकवर्ड में कितना उसको उतना मिलेगा, शेड्यूल कास्ट कितना मिलेगा, लेकिन 10% ये डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में अभी जो टीचर बहाल 26,000 टीचर 50,000 टीचर बहाल करने वाला है, ठीक है, लेकिन उसमें अभी अभी नया जो कर दिया झारखंड सरकार उसमें बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोस्टर बना दिया। कैसे कर दिया वो? 10-10-10 कर दिया, स्टेट में भी 10 कर दिया स्टेट लेवल में कोटा में, और 10 डिस्ट्रिक्ट में रोस्टर में नहीं आता। इसमें पूरे सुप्रीम कोर्ट का एकदम नियम डिटेल में बहुत डिस्कशन करना पड़ेगा। इसमें परिभाषित किया गया कि डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में सेंट्रल में क्या है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का और STSC OBC का रिजर्वेशन का ये रोस्टर है, सेंट्रल का रोस्टर, स्टेट का एंड डिस्ट्रिक्ट का कैसा बनेगा। यह क्या किया कि पूर्वी सिंहभूम में 10% वो जो सामान्य जाति के गरीब लोगों को कर दिया। दूसरी बात है अगर धनबाद में डिस्ट्रिक्ट रोस्टर लागू किया जाए तो वहां ST कितना है? 8% है मात्र, 8% है मात्र, लेकिन ये जो 10% धनबाद में भी कर दिए। अच्छा, बिना मूल्यांकन? नहीं, बिना मूल्यांकन का, बिना सर्वे का, बिना जांच का ये कर दिया। मतलब ये जो 60-40 बोल रहा है ये गलत फॉर्मूला है, और डिस्ट्रिक्ट रोस्टर 10% को पूरा जिला में कर गलत है। ये चैलेंज तो हो जाएगा आज कोई मैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि क्या है, बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल जानकार का अभाव है इस सरकार में। मुख्यमंत्री से लेके मैंने तमाम मंत्रिमंडल में कोई जानकार इन लोग नहीं है थोड़ा भी, इनके सलाहकार थोड़ा भी नहीं जानता विधि विधान। इतनी मोटे मोटे किताबें को क्यों नहीं पढ़ता इन लोग? पढ़ना चाहिए। मैं चैलेंज कर सकता हूं, उनको समझा सकता हूं, पाठ पढ़ा सकता हूं, रिफरेंस मैं अकेले नहीं इसमें है। बिहार चला 1912 में बिहार राज्य का गठन होता है, उससे पहले 1905 में बंगाल गठन होता है। बंगाल अभी तक कैसे नहीं चला? बंगाल ने इस राजनीति तय कर लिया है, वेस्ट बंगाल ने
आरक्षण नीति तय कर दिया, नियोजन नीति, कोई हंगामा पश्चिम बंगाल में उड़ीसा में 1936 में उड़ीसा राज्य बना, आरक्षण को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति करके, बिल्कुल कोई आंदोलन नहीं है लगातार उड़ीसा में, बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, झारखंड में 22 साल 23 साल हो गया ये सरकार नीति निर्धारण करने में फेल हो चुका है। और 2024 दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ तो भाजपा का, यहाँ तो भाजपा गठबंधन भी नहीं होगा और आपका ये गठबंधन भी नहीं होगा, जेएमएम गठबंधन नहीं है, तीसरा गठबंधन का आवश्यकता है। मैं उसी दिशा में इस फॉर्मूला को लेते हुए हम तैयारी करने में, मैं लगा हूं और आने वाला दिन में 11 मई को रांची में मैंने बुलाया हूं। ऑलरेडी थर्ड फ्रंट का मोर्चा बन गया जिसका नामकरण हो चुका है झारखंडी खतियानी मोर्चा, झारखंडी खतियानी मोर्चा, ये पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी होता है ना, जैसे झारखंड पीपुल्स पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता, वैसा नहीं है, फ्रंट मोर्चा बन चुका है। धनबाद में मंथन चिंतन हुआ, बन गया और उस पर मोहर लग चुका है और उसी का आगे रणनीति 11 मई को रांची में, 11 कल परसों, आज हो गया 9 10 कल परसों रांची में, ये झारखंडी खतियानी मोर्चा जो फ्रंट है उसमें 2024 का खाका रूपरेखा तय किया जाएगा। और हम अपील करना चाहते हैं जयराम महतो जिस बैनर तले आंदोलित है, आंदोलन करवा कर रहा है, नेतृत्व दे रहा है, वो ग्रुप लीडरशिप डेवलप करे, एक कम्युनिटी को लेकर के नहीं, मूलवासी भी रहे, आदिवासी भी रहे और तमाम हिंदू मुस्लिम सब मिला जुला करके एक 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 कलेक्टिव लीडरशिप का जो स्वरूप होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा, कमी है, उसको पूरा करें। एक व्यक्ति एकल नेतृत्व ये संभव नहीं है, कभी भी नहीं हुआ है। आपने कहा था कि केजरीवाल बनना चाहता है, केजरीवाल कैसे बना, केजरीवाल माने विरासत में उनको नेतृत्व नेता नहीं बना, वो आंदोलन करके बना। ये जो अन्ना हजारे लोकपाल कानून बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे थे, उसमें पूरे देश के लोग जुड़े हुए थे और उस हुजूम में भीड़ से राजनीति का नया जन्म हुआ, वो जन्म हुआ आम आदमी पार्टी, और जिसका नेतृत्व अगुवाई जो है ना अरविंद केजरीवाल बना। और नॉट ओनली अरविंद केजरीवाल सामने में जरूर है कि उनका जो है ना ग्रुप है, मैंने संजय नाम का आदमी है और सोसुदिया है, ये तमाम ग्रुप लीडरशिप डेवलप किया, इसीलिए मुख्यमंत्री बन जाना कोई घोषणा कर दे, मैं भी कभी कोई मंच में जयराम महतो को मुख्यमंत्री घोषणा कर दिए थे, अब ये घोषणा मात्र से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है और सबको मधु कोड़ा की तरह लॉटरी लगने वाला नहीं है ना दल ना बल निर्दल किसी तरह समीकरण बन गया, जेएमएम के समर्थन कांग्रेस के समर्थन से मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया, दो साल के अंदर 4,000 करोड़ लूट कांड हो गया और बर्बाद हो गया झारखंड, वो भी माने कानून के सिकंजे में हो गया झारखंड, तभी से बर्बाद हो गया। वैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए सामूहिकता का जरूरत है, सबको लेके चलने की बात है और सभी मुद्दों पे बात करना होगा, ना ओनली खता खतियानी नहीं, तमाम यहाँ पैसा कानून का बात होना चाहिए, यहाँ जंगल का अधिकार होना चाहिए, मांझी परगना मानकी मुंडा का बात होना चाहिए, यहाँ की भाषा, यहाँ के संस्कृति, साहित्य अकादमी बना नहीं, बहुत सारा विजन को लेके कोई फोकस करता हो, नेतृत्व करता है, सबको लेके चलता है, बहुमत की सरकार बनती है, तब सपना सोचना चाहिए, सपना देखना चाहिए, ख्वाब देखना चाहिए कि बहुमत होंगे, हम एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, यही है फॉर्मूला, ही पंडा वही चीज है, काहे कि नेतृत्वकर्ता आप कर रहे हैं, अकेले दिख रहे हैं जरा मा, तो अकेले कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, काहे कि हमारे यहाँ 81 विधायक पे मुख्यमंत्री बनते हैं, उसमें से 41 चाहिए, 41 चाहिए, 81 विधायक से उसमें 41 चाहिए, तब सरकार 41 आप बनेंगे, तब सरकार बनेंगे। अब ये दिख रहा है कि हमारे जयराम महतो का ये में मतलब उनका संगठन में 28 आदिवासी ये नहीं है, युवा होना चाहिए, ताकि दलित नहीं है, दलित नहीं है, महिला नहीं है, महिला भी नहीं है उनका। अब जयराम महतो को सीएम पद के पेश किया जा रहा है, जयराम महतो अच्छा है, अपना सीट जीत लेंगे, लेकिन बाकी जो 80 सीट का दावेदार कैसे करेंगे, कौन है? और मान लिया, हमको लगता है कि अचूक जो सुदेश सिंह ये मातो जैसे 2-4 सीट जीत जाएंगे, लेकिन 2-4 सीट से तो आपका सरकार तो नहीं बनेगा, 2-4 सीट से तो आप झारखंड का दिशा दशा तो नहीं चेंज कर पाएंगे, करीबन कम से कम आपको 20-30 सीट आपको जीतना होगा ताकि आप सरकार को दबाव बना पाएंगे, है ना? तो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा, तो अभी
फिलहाल में और तो हम लोग संवाद हो गया। अभी दूसरा ये बात है कि हमारे झारखंड का युवा जो भी आंदोलन में है, सभी को हम लोग हौसला देते हैं, आंदोलन करते रहना चाहिए, हमारा झारखंड का भला होना चाहिए, आने वाला डेट का भला होना चाहिए। एक अंतिम संदेश आपके तरफ से हो जाए। हमारा कहना है कि युवा जो है ना, कहा जाता है द स्टूडेंट इज टूडे विल मेक द नेशन टुमोरो, मतलब आज के छात्र युवा कल के भावी देश के कर्णधार होंगे और उन पे बहुत सा युवा शक्ति समाज और राष्ट्र का ऊर्जा शक्ति होता है और ऊर्जा शक्ति से आज पूरा ये सौर मंडल चल रहा है। सूर्य का जो ऊर्जा शक्ति है वो पूरा जो है संतुलित किए हुए हैं। युवा शक्ति जिधर ढल जाए, जिसका मचल जाए, वो धारा ही बदल जाता है आंधी और तूफान की तरह। वो युवा शक्ति जब आंदोलित होते हैं तो वायुमंडल में वो आंधी तूफान बन जाता है और जलधारा में उफान बन जाता है। युवा हो सकती है कि जिस तरह अगर बाढ़ आती है तो नदी में उफान आ जाती है, हवा के वेग इतना गतिमान हो जाता कि वो जो है ना आंधी तूफान तूफान बन जाता है, हवा तूफान बन जाता है, जलधारा उफान बन जाता है। युवा शक्ति हो सकती है कि आज जो युवा शक्ति है वो काल का भविष्य है, झारखंड के कर्णधार है। आने वाला 2024 उस युवा शक्ति के हाथ में सत्ता का बागडोर देना है, झारखंड का तस्वीर बदलना है, झारखंडियों का तकदीर बदलना है, सत्ता परिवर्तन करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, नियत बदलना होगा, नीति बदलना होगा। यही आज के युवाओं को मैं संदेश देता हूं। बिल्कुल, तो हम लोगों ने माननीय पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा से इस प्रकार संवाद किया, इसमें बहुत सारे संवाद आया, इसमें आप लोगों को देखिए किस प्रकार हम लोग संवाद किए, कमेंट जरूर करें और इस प्रकार अगर ये जरूरी होगा तो फिर हम लोग संवाद करेंगे आगे अगले इसको लेके। आप लोग जन जन तक शेयर जरूर करना और आगे भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।